जयपुर एयरपोर्ट से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी और सीआईएसएफ कर्मी के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ के अधिकारी को थप्पड़ जड़ डाला। जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड, सीआईएसएफ अफसर को जड़ा थप्पड़, स्पाइस जेट की महिला क्रू मेंबर का गदर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला सीआईएसएफ जवान के थप्पड़ कांड की गूंज अभी शांत भी नहीं पड़ी थी कि जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड पार्ट टू हो गया। यहां पर स्पाइस जेट के क्रू मेंबर और सीआईएसएफ के एएसआई के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि महिला क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ के एएसआई को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वहां पर सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मी और स्पाइस जेट के कर्मचारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि स्पाइस जेट की क्रू मेंबर अनुराधा रानी की बैक ऑफिस में ड्यूटी थी। सुबह 4:40 पर वह एयरपोर्ट पर पहुंची थी। इस दौरान यहां पर सीआईएसएफ के एएसआई गिरिराज प्रसाद ड्यूटी पर तैनात थे। अनुराधा रानी ने बिना सिक्योरिटी जांच के अंदर घुसने की कोशिश की, जिस पर गिरिराज प्रसाद ने उन्हें रोक दिया और स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा। इस पर अनुराधा ने महिला स्टाफ ना होने का हवाला देकर स्क्रीनिंग और जांच कराने से मना कर दिया। गिरिराज ने वायरलेस पर महिला स्टाफ भेजने के लिए कहा। इसी बीच अनुराधा भड़क गई। फिलहाल पुलिस ने एएसआई गिरिराज प्रसाद की शिकायत के बाद क्रू मेंबर अनुराधा रानी को गिरफ्तार कर लिया और एयरपोर्ट पर हुए थप्पड़ कांड मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। श्रीगंगानगर।